ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रविवार चतुर्थी तिथि शाम 6:43 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में सुबह 7:15 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, चंचल प्रवृत्ति वाले, बुद्धिमान, धैर्यवान, उत्साही और यात्रा प्रधान मानसिकता के होते हैं। ऐसे जातक विचारशील, प्रतिभाशाली, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, हर कार्य करने में निपुण, दूसरों की बात समझने में कुशल, शेयर इत्यादि में रुचि रखने वाले, नेतृत्व करने में कुशल, किसी संस्था के प्रमुख बनने में प्रयत्नशील और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र, मंगल और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी शाम 7 बजे तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि पूरे दिन चंद्रमा के वृष राशि में चलने का ही प्रभाव पूरे दिन कायम रहेगा। आज भी वृष राशि के चंद्रमा पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र मंगल का प्रभावी होगा, जिससे हर काम पूरे उत्साह और जोश के साथ संचालित करेंगे, अति उत्साहित महसूस करेंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूपेण कायम रहेगा। भाग्यवश रुके हुए कुछ काम संपन्न होंगे और पूरे दिन रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। बुध का राशि परिवर्तन कल शाम से तुला राशि से वृश्चिक राशि में हो चुका है। अब बुध की युति बृहस्पति के साथ वृश्चिक राशि में बनी रहेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में कुशल संचालन की प्रवृत्ति में विकास होगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, महत्वपूर्ण ठोस निर्णय सफलतादायक सिद्ध होगा, कार्य क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा। साथ ही प्रत्येक जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव उनके अपने अपने महादशा और कारकों के अनुसार भी मिलता रहेगा। मेष राशि के जातकों की धन संबंधी मामलों में पहले से बेहतर स्थिति होती जाएगी, कोशिश कामयाब होगी और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। प्रबल आत्मविश्वास व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने में मदद करेंगे। साझेदारी और नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मगर माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक प्रयास सफल रहेंगे। वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आत्मविश्वास और क्रियाशीलता में कमी और चल रहे कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और समस्याओं का पकड़ में न आना संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में स्थायित्व बना रहेगा और साझेदारी सफल रहेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और परिवार में हर्ष और खुशी का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, दिनचर्या सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगी। घर गृहस्थी, संतान और स्वजनों पर निवेश की स्थिति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि व्यावसायिक प्रेरणा जारी रहेगी, कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें, खर्चों को नियंत्रित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए आय की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। हर काम करने के प्रति उत्साह बना रहेगा और कार्य क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अतिरिक्त कार्यभार और सरकारी विभाग से सहयोग मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। निजी निवेश की योजनाओं में उठाया गया कदम सही रहेगा, मगर संतान संबंधी मामलों में मानसिक दबाव बना रहेगा और संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, परिश्रम में सहयोग मिलेगा और सफलता मिल सकती है। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रति निरंतर विकास और लाभ का संकेत मिलता है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग और उसके प्रति होने वाले प्रयासों में अधिकारियों की प्रेरणा व शासन सत्ता का सहयोग भी शामिल रहेगा।
सरकारी कामकाज पूरे होंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और किया गया प्रयास हर काम करने के प्रति सफल होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। पूरे उत्साह से प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई व्यावसायिक योजनाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे और व्यावसायिक यात्रा के योग बनते हैं, मगर कुछ कामों में मन का अंतर्द्वंद निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मौसम संबंधी सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और विकास की गति बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ और जमीन मकान वाहन इत्यादि संबंधी योग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और परिश्रम सार्थक होगा और पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना सहयोगी प्रभाव में माना जाएगा और स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव में सुधार होगा। पहले की चली आ रही परेशानियों की पुनरावृत्ति में कमी आएगी, मगर साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। आय संबंधी मामलों में सुधार होगा और यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कार्य योजनाओं में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और हर कार्य के प्रति सहयोगात्मक रवैया कायम रहेगा। सरकारी सहयोग और मन मुताबिक काम के होने का संकेत मिलता है। हालांकि चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होने से नई कार्य योजनाओं में सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नई ऊर्जा का एहसास होगा। पहले की चली आ रही दिक्कतों में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में चलने से आत्मसंतुष्टि में थोड़ी कमी, कामों में रुकावट और पारिवारिक चिंता की मनोवृत्ति संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ी रहेगी और सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातक पारिवारिक सुख संतुष्टि और सुकून महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार, मगर निजी निवेश के प्रस्ताव सफल होंगे। मानसिक स्थिरता के साथ सरकारी कामकाज पूरे होंगे। भूमि और वाहन लेने का योग भी जारी है। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक लाभ भाग्यवश अच्छा होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता संभावित है और न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए रचनात्मक प्रयासों में सुधार होगा, मगर कार्य क्षेत्र के विस्तार में मानसिक स्थिरता कायम रहेगी। हालांकि उच्च अधिकारियों का सहयोग और पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं में आपके प्रयास सार्थक होंगे और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। निरंतर अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।